मुझे भगवान के आशीर्वाद से एक ऐसे राइटर का एक डायलॉग मुझे याद है, मुझको याद होना उस प्ले का डायलॉग, क्योंकि मैंने वो प्ले किया हुआ था तो मुझे वो डायलॉग याद आया और मैंने उनसे कहा कि मैं इसको जरूर करता हूँ। बोला हाँ जो करना करिए आप, लेकिन आप करके बताइए क्या करेंगे। थोड़ा जिस तरह से बोला मुझे लगा डांट के बोला। जो डायलॉग है जिसकी वजह से मैं फिल्मों में आया, मुझे जीके ने चांस दिया, 40 साल हाँ मैं कलाकार, हाँ मैं कलाकार हूं, क्या करोगे मेरी कहानी। आज से कई साल पहले होने के कहानी से कैसा प्यारा बन चुका है, ऐसी बात जिसका इकरार करते हुए मेरी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कहता हूँ जब मैं छोटा था एक वाक्य पेश आया कि मैं भयानक आत्मा में बस कर, जब जिंदा बचा तो मालूम हुआ कि मैं बहुत सुरत हूँ, जैसे सुहानी सुबह डरावनी रात में पड़ती हो। मैं बाहर जाने से घबराने लगा, घर पर बैठ कर गीत बनाने लगा, जितना ही भयानक था मेरा चेहरा उतनी मधुर थी मेरी गीत। दुनिया ने मुझे दुत्कारा लेकिन मेरे गीतों से प्यार करने लगे और मैं चिल्लाता रहा कि तुम्हें चांदी रातों से मोहब्बत और पहाड़ों से बरसा दो। मेरे गीतों ने हजारों को रोका, मेरी मुलाकात की मदद होती रही, पर मैं किसी से न मिलता। एक दिन एक खत आया, मैंने तुम्हारे गीतों में शांति पाई, अगर मुलाकात न होती न जाने क्या कर बैठूंगी। मुझे लगा ये खूबसूरत हसीना इसे बुना और अपना एक बदसूरत चेहरा दिखा कर पूरी ताकत से इंतकाम लूं। मैंने उसे बुलाया, वो आई कितनी खूबसूरत और हसीन, शबनम से भी मुलायम और मैं जैसे मासूम के सामने मधुसी। मैं चेहरा छुपा के बातें करता रहा, मेरे बीच शब्द में थे उसके बीच जुबान पर मेरी शादी का प्रस्ताव पेश कर और खुशी से बोली हाँ मुझे मंजूर है। मैं खुद सहम गया, मैंने चिल्लाकर पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो तुम। उसने धीरे से आंसू बहाते हुए कह दिया, मैं तो एक गंदी हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में इश्क था, तब मैंने कहा जो तेरी निकाह का बिस्मिल नहीं, वो कहने को दिल तो है मगर दिल नहीं। फिल्मों में आ तो गया लेकिन आने के बाद वो खूबसूरत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका, ये सहरा तो आपके सर है कि आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार वो मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो मेरे दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा जमीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बहाने आपसे मुलाकात हुई। किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त कर, आप का ये प्यार था जो आप यहाँ मौजूद हुए और इतनी भारी संख्या में, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम। राजेश खन्ना दुनिया से चले गए। 18 जुलाई को राजेश खन्ना ने अंतिम सांस ली, लेकिन राजेश खन्ना के चौकी पर जब उन्हीं की आवाज को रिकॉर्ड किया गया संदेश श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों को सुनाया गया, तो लोगों के जहन में एक बार फिर फिल्म आनंद का वो दृश्य ताजा हो गया। फिल्म आनंद में आनंद का किरदार निभा रहे राजेश खन्ना ने कुछ इसी अंदाज में अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया था। आप भी सुनिए बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के
आखिरी संदेश।